मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ये जानेंगे और उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जहां पे वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, उसी चीज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते थे। उसी चीज को हम अब एक स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दो रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियरली समझ लीजिए कि अगर एक चार्ज है यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है तो आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते। सिमिलरली इसी चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। ठीक, और ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इसके बीच हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। इनफैक्ट जब आप डीप में जाएंगे तो एक ही चीज का रिप्रेजेंटेशन है तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम मोटा मोटी तौर पर बोलते हैं कि एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन है और एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब आते हैं डिफिनेशन पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे अगर किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले जाते हैं तो एक काम करना पड़ता है, यू हैव टू डू अ वर्क। ठीक, वो जो वर्क है एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इसलिए डिफिनेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरीके से हम डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये जूल है, ये कूलम्ब है, तो जूल पर कूलम्ब। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होगा एक टेस्ट चार्ज की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे करते हैं, देखिए मान लिया कि यहां पे चार्ज है Q, ये यहां पे फिक्स्ड है। ठीक, इसको यहां पे फिक्स कर दिया, इसको पॉइंट A बोल दिया, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमने माना कि यहां पे एक टेस्ट चार्ज है Q। एक चार्ज है Q, ये फिक्स है यहां पे, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब आते हैं कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि ये जो चार्ज है ये पहले इनफाइनाइट पे था। मान लीजिए जो B था पहले इनफाइनाइट पे था और ये चलते 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 यहां पे आया है। ठीक है, और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो मानी जाती है। ठीक, और यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एट आर। ठीक, अब हमने क्या किया, ये यहां से चलाते 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 यहां पे लाए हैं, दिस इज द फाइनल और दिस इज द इनिशियल स्टेज। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा क्या होगा, यू बी माइनस यू इंफिनिटी।
और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon q q नॉट अपॉन r। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। असल चीज हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा है कि u अपॉन q होता है पोटेंशियल। अगर मैं इस स्ट्रेस चार्ज से डिवाइड कर दूं, अगर यहां पे ऐसे लिख दूं ub माइनस u इंफिनिटी अपॉन q नॉट, तो क्या दे देगा, vb माइनस v इंफिनिटी इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब ये वैल्यू जीरो है क्योंकि हम क्या करते हैं यहां पे जीरो मानते हैं इन्फिनिटी पे, ये वैल्यू जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो, दैट मींस ये वाला टर्म भी जीरो आ जाएगा और फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, वी पी इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। दैट मींस किसी चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब अगर बहुत सारे चार्जेस होते, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तब क्या करेंगे, हमें पता है कि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर के हिसाब से जुड़ जाएगा। तो अगर टोटल निकालना है तो क्या होगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट और फिर क्यू आई अपॉन क्यू आर। जितने चार्ज होंगे सबकी वजह से एक एक निकाल के जोड़ देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं।